आज के इस वीडियो का टाइटल होगा वन बुक वन नेशन। जैसे हम सुनते आ रहे हैं बहुत टाइम से, वन फ्लैग वन नेशन, वन राशन कार्ड वन नेशन, वन आधार वन नेशन, है ना। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वन बुक और वन नेशन भी हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इलाबरेट करता हूँ कि ऐसा ना होने से हमारे समाज पे, हमारे सोसाइटी पे कितने बैड इम्पैक्ट्स होते हैं और कितना नुकसान होता है हमारा पर्सनली और लोगों का भी। एक $1 बिलियन कंपनी है अमेरिका की, उनका काम है लोगों का भविष्य बताना, दे प्रेडिक्ट ह्यूमन बींग्स फ्यूचर। वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एनएलपी एक्सपर्ट्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, हाईली पेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वो एक इंसान के स्टार्स वगैरह रीड करके, उसके पिप्स जान के, पिप्स यानी फिर साइकोलॉजिकल नीड्स जान के, उसके उसको थोड़ा रेलिवेंट बताते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, क्योंकि वो उसकी लॉबीज वगैरह रीड करके वो उठता बैठता है किन के साथ है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे मैसेजेस या फोन कॉल्स भी आते हैं, कॉल ऑन दिस टोल फ्री नंबर वी विल प्रिडिक्ट योर फ्यूचर, कॉल ऑन गुरुजी, ऐसे भी कुछ मैसेज आते रहते हैं हमारे सेल फोन पे। तो बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब बहुत सर्वे के बाद वो कुछ हद तक कुछ बता पाते हैं एक इंसान को फ्यूचर के बारे में। बेसिकली मुझे उस मुद्दे पे बात नहीं करनी, मेरे कहने का मतलब क्या है, ये एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको इलाबरेट करने की कोशिश की। एक हमारी सोसाइटी में दो तरह के स्कूल होते हैं, एक प्राइवेट होता है और एक गवर्नमेंट स्कूल होता है। तो प्राइवेट को फिलहाल साइड में रखें, हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जब, मतलब किसी फैमिली का बच्चा जब एडमिशन लेता है गवर्नमेंट स्कूल में, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक होती है, उसके बिहा पे उनको गवर्नमेंट स्कूल में ही दाखिला लेना पड़ता है। तो उस गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे का फ्यूचर पहले से ही कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। मतलब एक इमेज सी बन गई हमारी सोसाइटी में कि ये बच्चा 10वीं से आगे नहीं जा पाएगा, 8वीं से आगे नहीं जा पाएगा। मतलब एक स्टैप सा होता है उसके ऊपर कि मुझे 10वीं के आगे जाना ही नहीं है, ना मुझे कुछ करना है उसके बाद। तो इससे कितना बड़ा नुकसान है हमारे सोसाइटी में और हमारे समाज में, आपको एक चीज बताता हूँ। अच्छे आइडियाज होना, इनोवेटिव होना या इंटेलिजेंट होना, ये सब जेनेटिक है नहीं, ये किसी को वरासत में नहीं मिला आज तक। बड़े बड़े लोगों के बच्चे कामयाब नहीं हो पाए, जो पहले जिनके माँ बाप बड़े कामयाब थे अपनी लाइफ में, उनके बच्चे कामयाब नहीं हो पाए। तो ये जरूरी है नहीं कि जो कामयाब होगा, जो आइडियाज वाला इंसान होगा या जो इनोवेटिव होगा, वो किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैमिली से ही होगा या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैकग्राउंड से ही होगा या किसी बड़े स्कूल से ही पढ़ा होगा। तो ये सब चीज़ें गलत है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ, आई बिलीव इन पर्सनली डेथ ऑफ ए ह्यूमन आइडिया इज वर्स देन डेथ ऑफ ए ह्यूमन बींग। एक आइडिया की डेथ होना एक इंसान से भी, एक इंसान की मौत से भी ज़्यादा बदतर है, क्योंकि एक अच्छे आइडिया से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बन सकती है, न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी सवर सकते हैं। एक अच्छे आइडिया को अगर यूज़ किया जाएगा तो वो अच्छा आइडिया किसी गरीब के बच्चे के पास भी हो सकता है, ये ज़रूरी है नहीं। लेकिन हम उसको पहले ही कत्ल कर देते हैं अपना वो स्टंप लगा के कि ये आगे नहीं जा पाएगा। और वहाँ का स्टडी सिस्टम भी, आई एम सॉरी टू से दिस बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, बिकॉज आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस स्टडी सिस्टम, और वहाँ का गवर्नमेंट स्कूल का जो स्टडी सिस्टम है वो भी किसी बहुत हद तक वीक है। इतना मतलब डिविएशन नहीं होनी चाहिए थी। मैं गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग भी अपना बेस्ट दोगे, अपना 100% दोगे, तो इतना डिविएशन नहीं रहेगी। और यहाँ से अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव भी उठा के वन बुक वन नेशन, तो हर एक को अपना राइट मिलेगा, हर एक बच्चे को, क्योंकि यही यूथ हमारे नेशन के पिलर्स होते हैं। और एक अंग्रेजी कहावत है, गवर्नमेंट टीचर्स और सब टीचर्स के लिए मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि टीचर्स एक इंसान को वो दे सकते हैं जो दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। एक अंग्रेजी कहावत है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं कि गिव अ मैन अ फिश, यू गिव हिम फीड फॉर अ डे, गिव अ मैन अ फिश, यू गिव हिम फीड फॉर अ डे, टीच अ मैन हाउ टू फिश, यू टीच हिम हाउ टू फीड फॉर हिमसेल्फ रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अगर किसी इंसान को सच्ची में कुछ देना है ना, तो उसको लाइफ से जोड़ो, उसको कुछ ऐसा दे दो कि जो उसको लाइफ टाइम का मकसद दे सके। तो टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना प्लीज 100% दीजिए। एक इंसान को ये सोच रखनी चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं जितना ज़्यादा करूँगा मैं उतना ज़्यादा खुद के लिए करूँगा। तो दोस्तों,
फ्रेंड्स, मेरा ये आज का ये सोच थी कि ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जो कहलाएगा वन बुक वन नेशन। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अपनी राय ज़रूर कमेंट में लिख देना और वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक भी कर लेना। थैंक यू सो मच। गुड बाय।